ઇઝરાયલ પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધની અસર ભારતના ઉદ્યોગો પર પડી છે। યુદ્ધના કારણે માલની આયાત નિકાસ બંધ થઈ જતા ઘણા ઉદ્યોગોને માઠી અસર થઈ। વારાણસીનો ચામડા ઉદ્યોગ છે જેમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। આ ચહેરા જે છે તે ખુશીના માર્યા ઝૂમી ઉઠતા હતા, કેમ કે દર વર્ષે આ સમયે તેમને કારોબારમાં સારો એવો નફો થતો હતો। પણ આજે આ ચહેરાઓ પર નિરાશા છે। તેનું કારણ કે ઇઝરાયલ હમાસ વચ્ચે થયેલું યુદ્ધ। ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે સંઘર્ષનો દોર યથાવત છે। બંને વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર અત્યારે ભારતમાં દેખાઈ રહી છે। ઇઝરાયલ હમાસ વચ્ચેના યુદ્ધના કારણે ભારતના ચામડા ઉદ્યોગને મોટું નુકસાન થયું છે। ચામડા ઉદ્યોગને કરોડોનું નુકસાન થઈ શકે છે। કાનપુરનો ચામડા ઉદ્યોગ ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇન પર અસર કરે છે। ઇઝરાયલમાં મોટા ભાગનું ચામડું અહીંથી જ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે। સંઘર્ષના કારણે શિપિંગ અને ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ છે, જેની અસર ભારતના ઉદ્યોગોને થઈ છે। બહોત નુકસાન હુઆ હૈ, 150 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है, और अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जो आपके आर्डर थे और जो माल था, आर्डर हमारे जो है डंप कर दिए, रोक दिए गए हैं। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो फिर और दिक्कत आएगी। लेदर पूरा ठप पड़ा हुआ है, सब इंडस्ट्री सब बंद पड़ी हुई है। अगर ये युद्ध और चलता रहा तो पूरी लेदर की कमर समझ लीजिए टूट जाएगी। ये युद्ध की वजह से जितना ये युद्ध हुआ हो रहा है, उसकी वजह से पूरा लेदर इंडस्ट्री पूरा जो है बंद पड़ा हुआ। सारी मशीनें बंद करा दी हम लोगों ने, ऑर्डर सारे रोक दिए गए। बाहर के जितने ऑर्डर हैं सब रोक दिए गए। और अगर युद्ध चला तो ये समझ लीजिए जो थोड़ा बहुत जो लोकल का जो काम हो रहे हैं ये भी होना बंद हो जाएंगे, और फैक्ट्रियों में हम लोग को सबको ताला लगाना पड़ जाएगा। देखिए, जो युद्ध का समय है ये पीक टाइम था हम लोगों का। ये क्रिसमस का बहुत ही बड़ा ऑर्डर रहता है, और साल में सबसे बड़ा पीक टाइम होता है ये हम लोगों का, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तक, नवंबर लास्ट तक सभी हम लोग माल डिस्पैच कर देते हैं। अब इस युद्ध से इजराइल का तो जो हम लोगों का ऑर्डर डाउन हुआ ही है, और जो भी वर्ल्ड की मार्केट है सब में उथल पुथल हो गया है। अभी पिछले साल रसिया का जो युद्ध हुआ उसमें भी नुकसान से हम लोग अभी उबर नहीं पाए थे। अब जब कोई युद्ध होता है तो एक र्यूमर होता है, बड़ा र्यूमर होता है। जैसे सपोज कीजिए किसी शहर में जब दंगा होता है किसी प्रदेश में, तो उस प्रदेश के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश से जो कस्टमर है, जो व्यापारी है, उस शहर में नहीं आता है, महीनों और डिस्टर्ब होता है। दंगा एक शहर में होता है लेकिन पूरा प्रदेश डिस्टर्ब होता है, उस स्टेट में लोग नहीं आते, एक र्यूमर होता है। इजराइल का जो दंगा हुआ है उससे तमाम ऑर्डर हम लोगों के रुक गए हैं, और ये पीक टाइम है डिस्पैच का हम लोगों का ऑर्डर का, और इसलिए कि क्रिसमस है। वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस में सबसे ज़्यादा इस टाइम लेदर इंडस्ट्री को उम्मीद होती है क्रिसमस के टाइम, और इस टाइम भरपूर ऑर्डर रहता है। एक तो मार्केट डाउन है, उसके बाद जो थोड़े मोड़े ऑर्डर आए थे हम लोग फैक्ट्री को चलाने के लिए, उससे लगभग इसके आने से मैं ये समझ सकता हूँ कि लगभग 150 करोड़ के आसपास का इजराइल के युद्ध से लेदर इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा कम से कम। ये जो 2-3 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट के जो माल थे वो सब रुकेंगे। जो ऑर्डर हैं, जो माल बन गया है, वो अब वो माल सब डंप पड़े हुए, कैसे जाएंगे? बहुत से जो इजराइल के कैसे जाएंगे, जो उस कंट्री के आसपास के थे वो कैसे जाएंगे? आज तो शिपिंग कंपनियां भी नहीं लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV13 गुजराती, हक थी गुजराती।